श्रीकांत भोईर, श्रीकांत भोईर, श्रीकांत भोईर को मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्लीज हमारे कॉम्पोज की तरफ आए। श्रीकांत भोईर बहुत सारे राजेश हैं इस टीम में, खास करके राजेश वारियर की बात करें, लेकिन दिल पे राज करने वाला कौन राजेश है वो देखना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुकाबला। बिल्कुल बहुत सारे राजेश है, और सामने वाले टीम के पास भी राजू जैसे खिलाड़ी हैं। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मुकाबला शुरू होना चाहिए। मैदान के अंदर वो नई गेंद चाहिए। संजय जी मल्होत्रा इस वक्त इशारा कर रहे हैं। नहीं है तिकड़ा है ना, दो ओवर पांच विकेट। हाँ, ग्राउंड नंबर टू पर जो मुकाबला हुआ उसमें संजय वर्तक ने शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया। पांच विकेट का हॉल और उसके साथ रन भी बनाए, इसलिए संजय वर्तक मैन ऑफ द मैच बने हैं। संजय जी कांग्रेचुलेशन, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन, क्योंकि बल्लेबाज के तौर पर सबको मैन ऑफ द मैच मिलती है, लेकिन गेंदबाज के तौर पर कम लोगों को मैन ऑफ द मैच मिलती है। पांच विकेट का हॉल, संजय जी वर्तक बहुत खुश, कांग्रेचुलेशन। सपाला खेल विभाग 40+ प्रेजेंट मास्टर प्रीमियर लीग 2020 में शानदार गेंदबाजी, पहली बार किसी गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच मिली है। रन तो इन्होंने बिल्कुल बनाया, लेकिन उसके साथ पांच विकेट लेना 50 के बराबर होता है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय संजय वर्तक। करण आर्यन के कप्तान, असलम आरबी के कप्तान जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं। करण आर्यन के कप्तान टॉस के लिए आए। संजय जी कांग्रेचुलेशन, मैच शुरू होना चाहिए। बल्लेबाजों को मैदान के अंदर भेजिए प्लीज। किंग्स ऑफ माकुनसार और राजेश वारियर के बीच मुकाबला। असलम आरबी के कप्तान पहुंच चुके हैं, तो करण आर्यन चलिए। बल्लेबाजों को मैदान के अंदर जाना चाहिए। हमारे साथ इस टूर्नामेंट की दास्तान लिखने के लिए और एक यंग बंदा पहुंच चुका है, मिस्टर निमेश। निमेश फ्रॉम माकुनसार, किंग्स ऑफ माकुनसार की जो कहानी वो लिखने के लिए आए हैं, अच्छा लगता है। टीम के ओनर भी है, क्या बात है। राजेश वारियर और किंग्स ऑफ माकुनसार के बीच मुकाबला चल रहा है। चलिए मैच की तरफ रुक करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये मैच होगा। करण आर्यन अविनाश और राजेश, स्ट्राइक रेट पर अविनाश, नॉट स्ट्राइक रेट पर राजेश, और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मेहर। ऑलराउंडर खिलाड़ी है आज, बहुत महत्वपूर्ण जो कि खेल इनकी तरफ से, लतीश मेहर। Start the proceeding from combo stand and Amundsen on strike. Look at this fielding, treadman point cover, long up onto the boundary line, longer onto the boundary line. Now change in fielding, deep strike cover onto the boundary line and mid off into the circle, long on and deep mid wicket onto the boundary line. Power play on, first ball from Latish Mehar.
It's very good delivery, playing very well to the cover region. Batsman cross over passing and now score one for none. Avinash opening his account. He's won one. First turn in progress. Latish Mehra doing very good job with bat. Bilal Bokin passing kar rahe hain aur ballebaz ke taur par bahut achhi paari unhone kheli. और जिस तरह से मुकाबला चल रहा है मास्टर प्रीमियर लीग 2020 में, ये दोपहर का सत्र है, दोपहर के सत्र में अब बल्लेबाज राजेश के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और पूरा दारोमदार रहेगा इस खिलाड़ी के ऊपर मिस्टर राजू। ये एक बैटल बनेगा मैदान के अंदर। ओहो, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी जस्ट पिचिंग आउट ऑफ द ऑफ स्पिन बैट्समैन लुकिंग फॉर द स्क्वायर कट बीटिंग कंप्लीटली बॉल गोइंग बियॉन्ड द विकेट एंड दे कैन बी नो रन जस्ट वेरी गुड बॉलिंग मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय द बॉलर। बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टिप ऑफ स्टंप के बाहर है, इस बार कट करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर बिंदी है। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए बाहरी किनारा लगा। इस बार जो फ्लाई स्लीपर खिलाड़ी है वो डांस इंडिया डांस में देख रहा हो, अच्छी तरह से फील्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी बात है इनके पैर इस गेंद को लगे हैं। संस्कार से राकेश जी ठाकुर यांच्या वतीने मगाशी संजय वर्तक यांनी अत्यंत जबरदस्त कामगिरी केली, कारण या स्पर्धेमधली पाच विकेटची कामगिरी म्हणजे पाच विकेटचा हॉल म्हणजे 50 धावा, जर तसं आपण जर तुलना 15 रन म्हणजे ज्या विकेट आहेत त्याची जर तुलना केली त्या 50 बरोबर असतात, तर ती कामगिरी पहिल्यांदाच झाली आहे, त्यामुळे त्यांना एक विशेष पारितोषिक दिले जाते। संजयजी आपण ते पारितोषिक स्वीकारायचं आहे। संजय वर्तक कॉंग्रॅच्युलेशन, आणि जेवढे ते आत्ता खेळाडू आहेत त्यांना विनंती आहे, गोलंदाज म्हणून त्यांनी केलेली ही कामगिरी निश्चितच कौतुकास पात्र आहे। संस्कार इलेवन संघाकंड हे मला वाटतं पारितोषिक असेल, संघ मालकांकडनं हे पारितोषिक आहे। टाळ्यांचा जोरदार गजर होऊन जाऊ द्या। संजयजी आउटस्टँडिंग, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए गेंद लॉन्ग ऑन बॉर्डर की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते हुए 4 रनों के लिए। दर्शन जी स्टोक बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बढ़ गया है और गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए, जो लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वो व्हाइटिश रखा हुआ है, इसीलिए बॉलर के सर के ऊपर से गेंद जाएगी तो रोकने वाली नहीं है। दर्शन जी स्टोक संस्कार इलेवन के जो ओनर है इस वक्त सम्मान कर रहे हैं संजय वर्तक का। 5 विकेट का हॉल और पहली बार हुआ, यह इतिहास बनाने का मौका संजय के पास था। एक घातक गेंदबाज इनकी तरफ से, ये गेंद अच्छी थी, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर। सवाल बिल्कुल पूछ रहे हैं, बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाएंगे। पहले विकेट का पतन, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था, इस गेंद को ऑन सर की तरफ खेलने की कोशिश की थी। तो पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में फिलहाल रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन, 10 ऑन द बोर्ड। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालेला आहे। मास्टर प्रीमियर लीग 2020 च्या अतिशय महत्वाच्या सामन्यामध्ये आतापर्यंत धावपळका धावा त्या एकूण 10 धावा। नवीन बॅट्समन संदीप, पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आहे। आपण पहिली इनिंग या ठिकाणी बघतोय, दोन्ही संघ मातप्रसंग मैदानामध्ये, किंग्स ऑफ माकुणसार आणि राजेश वॉरियर या दोन संघादरम्यान सुरू असलेली अतिशय महत्वाची लढत आहे। जिंकण्यासाठी ज्या धावांची जी गरज बघितली तर निश्चितच 61 धावांचं आव्हान राजेश वॉरियर्स आणि किंग्स ऑफ माकुणसारच्या दरम्यान सुरू असलेला महत्वाचा सामना। अतिशय सुंदर पद्धतीने चेंडू खेळणे, चेंडू गॅप मध्ये जातोय अतिशय वेगाने, एक धाव पूर्ण केले, दुसऱ्या धावे करता धावतात, या कदाचित 2 धावा होतील की 4 धावा, शिवबाचा छबा आणि याला 4 धावा, अत्यंत महत्वाचा फटका। चेंडू थोडासा ऑफ टाइमच्या बाहेर होता आणि गॅप मध्ये खेळून काढलाय, बॅकवर्ड पॉइंटला चेंडू जातोय सीमारेखाच्या पार 4 धावांकरता। या चौकारण्याची धावसंख्याला येतोय आकार, धावसंख्या पोचते ती
14 वरती किंग्स ऑफ माकुणसर 14 एका गडाच्या मोबदल्यात राजेश वारियर विरुद्ध खेळत आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला, दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे. मास्टर प्रीमियर लीग 2020 एक्स्ट्रा धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि अत्यंत सुंदर असं वातावरण देखण्या स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आपण बघतोय. अत्यंत छान या स्पर्धेचं संयोजन करण्यात आलेलं आहे. डावखुरापर्यंत राजू मात्र कमाल करतोय, चांगले फटके खेळतोय. ऑफ साईडला त्याने काही देखणे फटके खेळलेत. हा एक अत्यंत महत्वाचा चौकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. या वेळेला आणखीन एक सुंदर फटका गॅप मध्ये खेळला जातो. डीपेस्ट एकावरच्या दुसऱ्या चेंडू जातो सीमारेखेच्या बाहेर चौकारासाठी. घ्यावी एखादी तान काळजा तुतावी कट्यार मनोमनी तेंडुलकर होऊन ठोकावा खणखणीत चौकार. या वेळेला अत्यंत जबरदस्त चौकार आलेला आहे आणि या चौकाराची प्रतीक्षा होती. आकूट टप्प्याचा चेंडू थोडा ऑफटमच्या बाहेर होता, पडल्यानंतर उसळी घेणाऱ्या चेंडूवरती टप ऑफ द बॉल जाऊन डिपेस्ट कबरच्या दिशेने खेळलेला अप्रतिम चौकार आहे. या चौकाराने धावसंख्येला पुन्हा आकार येतोय. धावसंख्या होते ती 18, 43 धावांची आवश्यकता मैदानामध्ये आहे किंग्ज ऑफ माकुणसर संघाला जिंकण्यासाठी. आणि हे महत्वपूर्ण षटक थोडस महागड ठरत आहे. त्यामुळे डाव्या स्टिकडे जाणारा चेंडू पंच दोन्ही यात फैलावतायत आणि सांगतायत की चेंडू स्वैर आहे. नितेश कदंब दोन्ही यात फैलावतायत. एका धाव्याची भर पडते, अतिरिक्त स्वरूपामध्ये धावसंख्या वाढते. 19 एका गड्याच्या मोबदल्यात. दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत बघितलं तर दोन चेंडूवरती दोन चौकार टोलावलेत. अप्रतिम फलंदाजी करतोय तो राजू. अतिशय वेगाने चेंडू टाकलाय ऑफटमच्या बाहेर. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट करायचा होता. चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठल्या प्रकारचा ताळमेळ होत नाही, कुठल्या प्रकारचा संपर्क होत नाही. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. निर्धाव चेंडूची नोंद होते. धावसंख्या होते 19 एका गड्याच्या मोबदल्यात. चौथा चेंडूचा खेळ मैदानात आपण बघतोय. तशाच प्रकारचा फटका खेळला, चेंडू गॅप मध्ये जातोय. मात्र कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक 56 चेंडूवरती येतोय. जोपर्यंत पकडतोय तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज एक धाव पूर्ण करतायत आणि या एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. पहिल्या दोन चेंडूवरती दोन चौकार, त्यानंतर एक चेंडू चांगला टाकलाय. धावपलकावर धावा आता मात्र झाल्यात एकूण जर पाहिलं तर 20 धावा. 61 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे आणि मैदानात दुसऱ्या षटकाचा खेळ बघतोय. दिनेश गोलंदाजी करतोय समालोचन कक्षाखंड. दरम्यानचा क्षेत्ररक्षक आहे पॉइंट कव्हर, त्यानंतर लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती आहे. ऑन साईडला लॉंग ऑन, त्यानंतर मिड विकेट आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये पुन्हा एकदा बदल केला जातोय. कव्हर पॉइंटमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे की ते बघूया. ज्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण सजवले ऑफ साईडला, इथून तर चार क्षेत्ररक्षक दिसत आहेत. आता मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय. दिनेश आपल्या कुठ्यात पहिला आणि संघाचा दुसरा षटक टाकतोय. थोडासा बदल केला जातोय. फलंदाज उजव्या हाताला फलंदाजी करणारा फलंदाज संदीप, त्याला आपलं खातं खोलायचंय. राईट अप ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू ड्राईव्ह केला, अत्यंत सुंदर चेंडू जातो सीमार्क दिसणं. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण होतं. एक धाव निश्चित मिळते आहे. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक मिड ऑफ मध्ये जातोय, खाली झेपावतोय, जमिनीवर पडतोय आणि अप्रतिमरित्या क्षेत्ररक्षण करतोय. आपल्या संघासाठी किमान या दोन धावा तरी वाचवतो आहे. धावपलकाव धावा वाढतायत, एकेरीला धावसंख्या वाढतायत. 21 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. गोलंदाजी वावरती दिनेश, छोटा रनअप आहे, 10-15 पावलांचा रनअप आहे. तिथून गोलंदाजी करतोय. पंचांना पार केले. यावेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅट मध्ये आला नाहीये. अतिशय खराब क्षेत्ररक्षक चेंडू सीमारेखेच्या दिशेने. एकच धाव मिळते, एकापेक्षा जास्त नाहीये. खरं तर हा एक खराब चेंडू होता. लेग बाय तशार होतो, बॅटनं खेळणं फार गरजेचं होतं. चेंडू पायावर आदळतो आहे. अशा रीतीनं पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जी धावसंख्या होती तुलनात्मक दृष्ट्या दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर दुसरं षटक मात्र चांगलं ठरलं. 11 सरासरीने धावपलका धाव आहेत. त्या 22 एका गड्याच्या मोबदल्यात किंग्ज ऑफ माकुणसरचा संघ मैदानात खेळतोय. राजेश वॉरियर्सने 61 धावांचं आव्हान दिलेलं आहे. अजूनही दिल्ली जी आहे ती भरपूर लांब आहे, परंतु या सामन्यामध्ये एका चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता निश्चित जी आहे ती फलंदाजाला. सुरेश आपल्या कोट्यात पहिलं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. मास्टर प्रीमियर लीग 2020 महासंग्राम आपण बघतोय. क्रिकेटचा रंग मंच आहे, रंगात रंगूया या माकुणसरच्या लाल मातीने. माणसाला माणूस आणि खेळाडू जोडूयात मास्टर प्रीमियर लीग 2020 साथीने. 21 धावा आता 22 धावा धावपलकावरती आहे. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 11 सरासरी आहे. इथून उरलेले 24 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता आहे. हे समीकरण बनलेलं आहे या सामन्यामध्ये. दुपारच्या 17 एक चांगला सामना, रोमर्षक सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल आणि ती एक अपेक्षा करून या ठिकाणी प्रेक्षक निश्चित बसलेले आहेत. नियमांच्या चौकटीत राहून ही स्पर्धा आपण आयोजित केलेली आहे. सफाळे केळवे विभाग 40+ च्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण बघतोय. एक रोमर्षक सामन्यांची स्पर्धा असं म्हटलं तरी चालेल. पहिला दिवस झाला, त्यामध्ये अनेक सामने हे अत्यंत चुरशीचे झालेले आहेत. खराब फटका
बैकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू सरळ यस्टर आदळतोय, त्रिफळा चित केलेला आहे, क्लीन बॉल केलेला आहे आणि आणखीन एक यश मिळतंय ते गोलंदाज सुरेशला. पहिल्या चेंडूवरती तो एक मोठा अडसर दूर करतोय राजूचा. आता दोन गडी बाद एकूण धावसंख्या 22 आहे आणि चेंडू शिल्लक आहेत या संपूर्ण इनिंग मधले 23. तेवीस चेंडूत 39 धावांपर्यंत पोहोचायचं आहे. आव्हान तसं बघितलं तर माफक आहे, परंतु विकेटवरती उभं राहणं आणि शॉर्ट सिलेक्शन चांगलं ठेवणं हे फार गरजेचं आहे. मास्टर प्रीमियर लीग 2020 चा महासंग्राम आपण बघतोय, अत्यंत दर्जेदार अशा प्रकारची स्पर्धा आहे. या स्पर्धेचा विचार केला तर दिवस पहिला आहे आणि दुपारचं सत्र सुरू आहे. पाटील नेटवर्कच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घराघरात जाते आहे. 22 धाबात दोन गड्यांच्या मोबदल्यात बाद झालेला फलंदाज राजू, त्याने धाबा केल्या 10-8 चोडून तो सामोरा जातोय. सुरेशला मिळालेलं एक मोठं यश आहे, एक मोठा बळी मोठी शिकार करण्यामध्ये यश मिळते. आणि प्रत्येक वेळेला मी राजूला बघितलं की तो बॅकफुटला जातो, इनसाइड आउट खेळतो आणि त्याचा परिणाम म्हणून एक खोलबळ टप्प्याचा चेंडू जो सरळ यष्ट्यावरती आदळतोय आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय, तो ताराकांत केनी ऑलराऊंडर आहे, अष्टपैलू खेळाडू आहे. आता तिसऱ्या क्रमांकावरून तो चौथ्या क्रमांकावरती येतोय, महत्वाचा खेळाडू आहे. गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होतो सुरेश. आपल्या कोट्यातलं पहिलं आणि संघाचं अतिशय महत्वाचं तिसरं षटक तो टाकतोय. थर्ड मॅन पॉइंट, त्यानंतर लॉंग ऑफ मध्ये शत्रुषक आपण पाहतो आहे. यावेळेला प्रतिमाचा फटका कळला, चेंडू सीमारेखाच्या दिशेने अतिशय वेगाने चालला, मात्र कव्हरपटमध्ये अत्यंत दर्जेदार शत्रुषण होत आहे. दोन धावा निश्चित मिळते, दोन धावांनी धावसंख्या वाढते, धावसंख्या पुढे सरकते आहे. जिंकण्यासाठी 61 धावांचा पल्ला गाठायचा, एक फार मोठं आव्हान आपल्या समोर आहे. आणि अशा वेळेला महत्वाच्या क्षणी एका बॅट्समॅननं तग धरून उभं राहणं आणि चांगल्या पद्धतीनं स्ट्राईक रेटनं फलंदाजी करणं फार गरजेचं आहे. धावपलका धावा होत्या त्या एकूण 24 धावांचा पाठलाग आहे. 37 धावा अजूनही या ठिकाणी अपेक्षित आहेत बॅट्समनसाठी आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याकरता. राईट टाइम ओव्हर द विकेट सुरेश, यावेळेला कट केलेला चेंडू आहे, जातो अतिशय वेगाने मागे, मात्र चांगल्या प्रकारचा फुटबॉलचा खेळ मी बघतो आहे, तोही उपयोगी ठरेल. फुटबॉल खेळलं तरी चालेल, फुटबॉल खेळणं फार गरजेचं आहे. चांगला चेंडू होता, ऑफटमच्या बाहेर कट करण्याकरता मागे गेला, मात्र तितक्या पद्धतीने चांगल्या पद्धतीनं खेळता आला, कारण तेवढी जागा नव्हती. स्क्वेअर कट करण्याकरता तुम्हाला ती जी जागा पाहिजे तेवढी जागा नव्हती, त्यामुळे स्क्वेअर कट झाला नाही. चेंडू आतमध्ये आला, बॅटची कट घेऊन जातोय तो फ्लाइंग स्लिपमध्ये. एका धाब्याची भर पडतो, एका धाब्याने धावसंख्या पोहोचली ती 25 वरती. जिंकण्यासाठी इथून 36 धावांची आवश्यकता आहे. तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो आहे. सामना सुरू आहे दोन मात्यापर संघामध्ये, किंग्ज ऑफ माकुणसार आणि दुसऱ्या बाजूला राजेश वॉरियर. यावेळी ऑन साईडला फटका खेळलाय, क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती एक धाव तर निश्चित मिळते, मात्र नॉन स्ट्रायकर एंड साहेब बॅट्समॅन आहे, तो तितक्या चांगल्या पद्धतीनं धावला नाहीये. मात्र तरी सुद्धा जो चेंडू येतोय स्ट्रायकर एंडला तो फार उशीर होतोय, कारण नॉन स्ट्रायकरला एंडला ज्यावेळेस बॅट्समन आला त्यावेळेला बॅट पडली होती, थोडासा बॅलन्स गेला होता, त्याचं काही फारसं नुकसान झालेलं नाहीये. तिसऱ्या षटकातले दोन चेंडू बाकी आहेत, 27 धाबात दोन गड्यांच्या मोबदल्यात दोन्ही फलंदाज आरामात फलंदाजी करतायत. तारांकांत आणि दुसऱ्या बाजूला संदीप, संदीप खेळतोय 3 वर, तारांकांत खेळतोय 3 वर, संघाची स्थिती आहे. यावेळेला अभेद चेंडू आहे डीप मिड विकेट मध्ये, क्षेत्ररक्षक बहुधा झेल पकडेल की काय ते बघूया. सोपा झेल, फलंदाज बाद होतोय, मोठा अडसर दूर करण्यामध्ये यश सुरेशला मिळतोय. या षटकात दोन गडी बाद करतोय आहे आणि मोठा मासा गळायला लागतोय. अतिशय महत्वाचं षटक आहे, कदाचित या मॅच मधला टर्निंग पॉइंट सुद्धा ठरू शकतं अशा प्रकारचं षटक मैदानामध्ये आहे. आणि आता धावपलका धाबा आहे त्या 27 धावा 61 धावांचा पाठला करत असताना 34 धावांची आवश्यकता. या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत विकेट पहिल्या चेंडूवरती, त्यानंतर डबल आले, त्यानंतर सिंगल आले, पुन्हा एकदा डबल आले आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा विकेट आले. आणि मैंने एक फिल्म को देखा था, फिल्म का नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन डब्ल्यू ढूंढने के लिए वो 2.5 घंटा चला गया था. इतना वक्त जाएगा तो आपका मैच नहीं बनेगा. इस ओवर में देखिए, इस ओवर में 2 W आए हैं, मैच में पलटवार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. फिल्म का नाम है धमाल, 2.5 घंटे के बाद वो W दे दिखता है. लेकिन इस बार देखिए, इस ओवर में पहली बार जो तीसरे ओवर की कहानी शुरुआत W से हुई और आप देखिए 5वीं गेंद पर भी विकेट मिला है, तो वो विकेट बहुत महत्वपूर्ण था. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे आ रहे हैं, मुकेश ठाकुर. सुरेश की अच्छी गेंदबाजी, इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार ऑफ्टम के बाहर बढ़िया तरीके से गैप में खेले, भागने की जरूरत नहीं है, 4 रन मिलने वाले हैं. करारा प्रहार गेंद बॉल इनके बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. दर्शनीय स्ट्रोक इसकी जरूरत है, टाइमिंग बढ़िया, टिप्पा खाने के बाद उछाले थे गेंद. सब कुछ सुरेश के नाम पर चल रहा था, लेकिन बल्लेबाज ताराकांत को मालूम है कि खुद को क्या करना है. चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई है. रन संख्या कुल मिलाकर
31 जीतने के लिए चाहिए 61, मतलब अभी भी जो फासला बना हुआ वो 30 का बना हुआ है। 18 गेंदे 30 है, चौके ने एक बार फिर मैच में जान डाली है, मैच में कमबैक करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर एक तरफा मुकाबला होगा तो कोई नहीं देखेगा। ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से क्रिकेट मैदान के अंदर हो रही है। जब तक मैदान के अंदर ताराकांत है तब तक टाइगर जिंदा है, वो मैच बनाने की कोशिश करेंगे। नए बल्लेबाज मुकेश के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इनके कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज अविनाश जिन्होंने 9 रन बनाए, राजेश ने बनाए 10 रन, 8 गेंदों का सामना किया, संदीप ने जो कि 3 रन बनाए हैं, ताराकांत इंपॉर्टेंट इनिंग खेल रहे हैं, कुल मिलाकर अपने 7 के ऊपर, और मुकेश को अपना खाता खोलना है। गेंदबाजी में परिवर्तन, लतेश मेहर को मौका मिला है, प्रमुख गेंदबाज को वापस लेके आए हैं। दिल्ली को अगर विकेट चाहिए वो एक बार फिर रबाड़ा को लेके आते थे। करण आर्यन के कप्तान, आपके लिए आखिरी कॉल है, असलम आर्मी के कप्तान पहुंच चुके करण आर्यन, चलिए टॉस के लिए। राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ओहो टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए थोड़ा सा साइड अप एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं। जो इस तरह की गेंदे जब गिरती है जमीन पर या एक बार फिर विकेट के ऊपर, वो थोड़ी गेंदे स्पीड होती है और तेज बनती है। किंग्स ऑफ माखुन सर की बात करें तो बहुत अच्छी टीम है, 31 3 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ राजेश वारियर की बात करें, अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए, इस बार बाहरी किनारा है और यह फुटबॉल इस बार नहीं चला। हर बार फुटबॉल खेलेंगे तो बाद में बनेगी गेंद का रुकने वाली, 4 रन मिलेंगे। गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन फील्डिंग का स्तर थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। करण आर्यन के कप्तान, आपके लिए फाइनल कॉल है टॉस के लिए। 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इस बार टिप ऑफ टाइम के बाहर था, कट करना चाहते थे, टिप ऑफ टाइम के बाहर था, तो इस बार अच्छी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी, बाहरी किनारा लगा था और जो थर्डमैन के खिलाड़ी वो रेडी नहीं थे, इसीलिए थोड़ी परेशानी भी। करण आर्यन के कप्तान पहुंच चुके हैं, सर पे कैप है तो ये अच्छे संकेत है, वो अलग है और सबसे अलग है। सर जी इस वक्त कप्तान पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पिछले मैच में 6 गेंदों में 28, प्राण ने कमाल कर दिया था, मैच में जान डाली थी। प्राण पहुंच चुके, प्राण आइए प्लीज। तो यह मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके असलम भाई के लिए, 6 ओवर का मैच है। रनसंख्या 36 रन ओवर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ओवर मैदान के अंदर, चौथे ओवर का खेल जारी है। बिंदी गेंद चौका, उसके बाद में सिंगल आया है लतेश मेहर। ओ आज के दिन की सबसे खराब गेंद होगी, मेरे हिसाब से सीजन की खराब गेंद होगी लतेश मेहर की तरफ से। बल्लेबाज कहा है, होता है लेकिन जब आप अच्छी तरह से ग्रिप नहीं करते। प्राण ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, ग्राउंड नंबर 2 पर ये सारी चीजें हुई थी और 6 गेंदों में 28 बनाए थे, उसमें से 4 छक्के जड़े थे इन्होंने। मिस टाइम शो के हवा में गेंद है और क्या ये कैच हो जाएगा, घूमती भी गेंद लिया कैच नहीं, इस बार क्या एक बार फिर ये कैच लिया गया है, देखने वाली बात है। अंपायर क्या चलिए एक बार फिर अपनी जगह पर सबको जाना होगा। अंपायर का क्या फैसला है वो देखेंगे, अंपायर अपनी जगह पर जा रहे हैं तो एक बार फिर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रयास अच्छा था लतेश मेहर का, वो प्रयास था, वो कमिटमेंट बहुत शानदार था। देखिए सिंगल या डबल वो भी देखा जाएगा, क्या यहां सिंगल बना है डबल बना है। दो रन आए, दो रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है, एक बार फिर अच्छा मुकाबला चलता है, 23 रन जीतने के लिए चाहिए, एक अच्छा बैटल चल रहा है मैदान के अंदर। रन संख्या कुल मिलाकर 38 रन, चौथा ओवर प्रगति पर है और 2 गेंदों का खेल शेष इस ओवर में, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कॉम्बॉक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक तरफ तारीफ करूंगा मैं ताराकांत की जिस सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुकेश ने भी चौके के साथ आगाज किया है, 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद
इस बार कट करने का प्रयास किया, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद है। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर बढ़ती भी, वाइड बॉल का इशारा, मतलब 41 बने, 61 तक जाना है, अभी भी 20 रनों की जरूरत है। और करण आर्यन, प्राण जी आपका डिसीजन बताइए, दो रन मिलेंगे दो रनों के साथ, रन संख्या 41। बिल्कुल इस रन, बिल्कुल 40 रन बने, 40 रन तीन विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर ऑलसर की तरफ लॉग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, खराब शॉट, अगर इस गेंद को कट कर दे तो फायदा होता, काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद को ऑनसर की तरफ खेलने की कोशिश, और लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं है। बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाएंगे, मुकेश ठाकुर, वो बड़ा बहुत बड़ा झटका लगा, जिस तरह से इन्होंने अच्छी पारी की शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन एक बड़ी इनिंग की जरूरत थी, वो नहीं खेल पाए, शॉर्ट सिलेक्शन में थोड़ी खराबी, इतनी जो कि ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद थी उसको ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास किया गया। 21 रनों की जरूरत है, रन संख्या कुल मिलाकर 41-61 रनों तक जाना है। सफर की बात करें तो सफर इतना आसान नहीं है, नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर जा रहे हैं। बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज। सुरेश शेख, ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के अंदर, एक तरफ ताराकांत जैसे बल्लेबाज जो है डटे हुए हैं, एक बहुत अच्छा ओवर, सुंदर गेंदबाजी, राउंड ऑफ एक्शन से गेंदबाजी करते, टिप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा ऊपर नहीं आती, और टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद जो है हरकत कर रही है, इस बार टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते भी गेंद को ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास किया गया था। रन संख्या इसी के साथ 40 रन, 21 रनों की जरूरत है। ओह, इस बार बल्ले का अनुनिसरा लगा, गेंद फाइन लेग क्षेत्र की तरफ जाते हुए बढ़िया फील्डिंग, जब तक इस गेंद को फाइन लेग के खिलाड़ी फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, रन संख्या 41 रन। अब 12 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए चाहिए कुल मिलाकर 20 रन, 8 का फासला बना हुआ है, एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है, राजेश वारियर और किंग्स ऑफ माकुनसर के बीच मुकाबला चलता हुआ, ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए, मैदान के अंदर पानी की जरूरत है। समय की नजाकत को पहचानना होगा, घड़ी की तरफ अगर देखें तो बिल्कुल 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 12 गेंदे और 20 चाहिए, मैदान के अंदर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, लेकिन इसके बाद में जो मुकाबला है करण आर्यन और असलम आर्मी के बीच मुकाबला, तो करण आर्यन आपका डिसीजन क्या है, प्राण जो कि डिसीजन बताइए, बल्लेबाजी करने का फैसला करेंगे, मतलब रन बनाने का प्रयास करेंगे। सफल के वेब विभाग 40 प्लस प्रेजेंट मास्टर प्रीमियर लीग 2020 में सभी का स्वागत है। आज सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए मैं आपको लेकर जा रहा हूं मैदान के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला किंग्स ऑफ माकुनसर और राजेश्वर के बीच, 12 गेंदों का खेल से 20 रनों की जरूरत है, क्या एक रोचक मुकाबला देखने का मौका दर्शकों को मिलेगा। बॉलर का नाम बताइए प्लीज। सुरेश गेंदबाजी करेंगे, पांचवा ओवर लेके आए हैं और ये दूसरा ओवर है, कोटे की आखिरी ओवर है और प्रभु गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसे कि बुमराह की बात होती है, बोल्ड की बात होती है, एक बार फिर चोपड़ा आर्चर की बात होती है, आपके प्रमुख गेंदबाज जो है वो निर्णायक ओवर डालने की कोशिश करते हैं, जो एक
जो गेम चेंज करने वाला ओवर डालने की कोशिश करते हैं। 41-4 विकेट के नुकसान पर मास्टर प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। आज पहला दिन कल एक बार फिर 8:30 पर पहला मुकाबला होगा। 41 प्लस ऑफ 4 विकेट, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए, एक बार फिर समय बहुत ज्यादा, घड़ी 4 की तरफ जा रही है, इसका मतलब समय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। सूरज की इस ओवर की पहली गेंद, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है, अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ। बहुत कॉन्फिडेंस अंपायर है मैदान के अंदर दोनों, संजय मल्होत्रा और नीतीश कदम, बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला आप देख रहे हैं। 12 गेंदे और 19 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करेंगे सुरेश। अच्छा शॉट शॉट तरीके से लॉन्ग की तरफ के लिए खिलाड़ी या तैनात है, बहुत ही सुंदर फील्डिंग का मुजारा, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश लेकिन मना किया है। मुझे वो अनु मलिक का गाना याद आया, रुक बाबा रुक, रुकने की जरूरत है, विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो बिल्कुल बात बनेगी, क्योंकि एक खराब गेंद तो आने वाली है और खराब गेंद आएगी तो उसके ऊपर आपको प्रहार करना है। 11 गेंदों का खेल, 18 रनों की जरूरत है, फासला अभी भी बना हुआ, एक अच्छा शॉट बल्लेबाज गेम में। अभी तो मुझे लग रहा है कि गेंद थोड़ा जो है इस वक्त गेंदबाजों की तरफ बढ़ता हुआ। राइट आप ओवर द विकेट, ओ बढ़िया गेंद, बहुत ही सुंदर टिप्पा ऑफ टाइम के बाहर, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को हड़बड़ाहट के साथ खेलते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है फिलहाल, अभी देखिए तो जिस तरह से माहौल बना, 10 गेंदे 18 रनों की जरूरत है, क्या कांटे की टक्कर चल रही है, एक बहुत अच्छा मैच चलता हुआ, एक रोचक मुकाबला चल रहा है। ऑफ साइड पर देखे तो थर्ड मैन पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, कवर एक लॉन्ग ऑफ साइड पर, ये 4 खिलाड़ी है ऑन साइड पर, लॉन्ग का खिलाड़ी बॉल डन पर, सुरेश गेंदबाजी कर रहे हैं। राइट आप ओवर द विकेट, अच्छा शॉट ऑन साइड की तरफ लेकिन खिलाड़ी यहां भी तैनात है, एक रन का इजाफा किया, दूसरे के लिए वापस आएंगे, थ्रो बहुत तेजी के साथ आ रहा है, 2 रन मुकम्मल, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। ये सफर जो है जारी रखना बहुत जरूरी है, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, एक नीचे सब कुछ बदलता है, दृढ़ संकल्प की जरूरत है, 16 रनों की जरूरत है, 9 गेंदों का खेल शेष है, ये फासला बढ़ रहा है। बढ़िया गेंदबाजी सुरेश द्वारा, राइट टॉप ओवर द विकेट, छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, शानदार शॉट, छक्के की जरूरत थी, भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़के मैदान के बाहर जाए तो उसको छक्का कहते हैं, बाजी में पलट मार लाए उसे हुकुम का एक्का कहते हैं, और बल्लेबाज सुरेश की भी तारीफ होनी चाहिए, शानदार शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट बल्ले से, छोटी गेंद पर जोरदार प्रहार और खराब गेंदबाजी में समझ सकता इस वक्त गेंदबाज सुरेश द्वारा। सुरेश घरत एक तरफ सुरेश है, दोनों सुरेश है, लेकिन इस बार बल्लेबाज की चली है। पहले दो तीन गेंदों की कहानी देखें तो पूरी तरह से समा बांधा था, 10 रनों की जरूरत है, मैच में पलटवार होता हुआ अगली गेंद के साथ, ये भी ऑन साइड की तरफ शानदार तरीके से गैप में खेलते हुए 4 रन, क्या बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज, तालियां बजाने का मौका मिलता हुआ। डगआउट में एक बार फिर खुशी का माहौल है, शानदार शॉट, आगे वाली गेंद थी थोड़ा सा आड़े बल्ले से बिल्कुल के लिए। इस ओवर की कहानी देखे तो अब जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है, गेंदों की तरफ जाएंगे तो 7 गेंदे 6 रन चाहिए, मतलब अब गेंद बल्ले के ऊपर हावी थी, अब बल्ला जो है गेंद के ऊपर हावी है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज द्वारा, खास करके सुरेश खरत, एक छक्का एक चौका एक डबल एक बंदी गेंद, 4 गेंदों का सामना किया है और 12 रन पर खेल रहे, क्या स्ट्राइक रेट है, 2 खराब गेंद से खेल का एक बार फिर जो नजारा है वो पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए इस खेल को जो कि कहते हैं कि वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, गिरगी की तरह रंग बदलने वाला खेल। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, कॉम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करेंगे, 6 रन चाहिए, 7 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ, 7 गेंदे 6 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की सुरेश की, इस गेंद को आपको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना होगा गेंदबाज के तौर पर। बढ़िया गेंद, खेल समाप्त नहीं है, सुरेश दोनों तरफ है, एक सुरेश ने कहा कि मैं भी यहां जिंदा हूं, टाइगर अभी जिंदा है, बहुत कुछ आना बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है, 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत है, कंपल्सरी चेस है तो इसका मतलब मैच अच्छा हो सकता है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है और जो इस मैच में दबाव को झेल पाएगा वही आगे जाने वाला है। दबाव में बहुत सारे लोग बिखरते हैं,
बहुत सारे बिखरते कुछ निखरते, निखरने की जरूरत है। विराट कोहली से निरंतरता लेनी होगी, एक बार फिर बुमराह से वो निरंतरता लेनी होगी, एक बार फिर वीरेंद्र सहवाग से निरंतरता लेनी होगी, वो उधार लेनी होगी। आपके पास मौका है हीरो बनने का, छह गेंदे और जीतने के लिए छह रनों की जरूरत है, 55 रन चार विकेट के नुकसान पर। अभी जो मुकाबला चल रहा है उस मुकाबले की बात करें तो राजेश वारियर और किंग्स ऑफ माकुंसर के बीच मुकाबला चल रहा है। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है। राजेश टांडेल को मौका मिला, कितने राजेश टीम में है, दोनों के पास राजेश है, लेकिन दिल के ऊपर राज कौन करने वाला है। हीरो बनने का मौका इनके पास है। और सामने बल्लेबाज की अगर बात करें तो एक तरफ ताराकांत जो कि रीढ़ की हड्डी है और विपक्षी टीम के लिए सरदर्द का कारण बने हुए हैं, और दूसरी तरफ से सुरेश ने अपने इरादे को स्पष्ट किया है, छह गेंदे छह रनों की जरूरत है। काटे की टक्कर चल रही है, रोचक मुकाबला चलता हुआ हमारी सांसें गले में अटकी हुई है। इस मुकाबले को अगर आपको बनाना है, मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी। पहली गेंद पर क्या होगा देखने वाली बात है। राजेश टांडेल बढ़िया गेंद हवा में, एक रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे चतुराई के साथ बल्लेबाजी, और थ्रो तो अच्छा है लेकिन दो रन मुकम्मल करेंगे। इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा, मेहनत कम की लेकिन फायदा ज्यादा है, विपक्षी टीम का नुकसान ज्यादा है। इस बार पांच गेंदे चार रनों की जरूरत है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है, पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर हो रहा है। गेंदबाज के पास भी मौका है, इस ओवर की अगली गेंद हवा में, गेंद सुंदर तरीके से कवर की तरफ खेलते हुए कोई खिलाड़ी यहां मौजूद नहीं, बॉलिंग के बाद चार रनों लग जाते हुए दर्शनीय स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी ताराकांत द्वारा। ताराकांत कांग्रेचुलेशन।